जिला क्षय रोग में शनिवार को मीडिया संवेदीकरण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर अध्यक्ष कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश से वर्ष 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन तभी संभव हो पाएगा जब लोग इसके प्रति जागरूक हों, लक्षण दिखते ही स्वास्थ्य केंद्र जाएं और जांच करवाएं, अगर क्षय रोग है तो उसका पूरा इलाज करवाएं। इस साल सरकारी क्षेत्र में 8,000 जबकि निजी क्षेत्र में 6,000 टीबी रोगियों की नोटिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष सरकारी क्षेत्र में 3,577 टीबी रोगी और निजी क्षेत्र में 2,857 टीबी रोगी नोटिफाइड किए जा चुके हैं। ACF कैंपेन में से ये आंकड़ा और भी सुधरेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी DTO डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कहा। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, जिला क्षय रोग अधिकारी गोरखपुर। यह बैठक जो है एक्टिव केस फाइंडिंग सघन सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के तहत मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला रखा गया था, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता में हमारी मीडिया बंध का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना इनको लिए हम सफल नहीं हो सकते हैं। और अपने यहाँ गोरखपुर जनपद में 2 नवंबर से 11 नवंबर तक सघन सक्रिय क्षय रोग अभियान चलाया जाना है। यह अपने जनपद के 10% आबादी यानी 483,000 पॉपुलेशन की टीबी के रोगियों का स्क्रीनिंग करना है। यह एक्टिव केस फाइंडिंग का 8वां चरण है और इसमें जो है 215 टीमों का गठन किया गया है, जिसके तहत 625 मेंबर जो है लगे हुए हैं और इसकी टीम को सुपरविजन के लिए 53 सुपरवाइज़र हमारे हैं। 37 LT लगाए गए हैं जो चिन्हित DMC पर जो है जो संभावित TB के मरीज निकलेंगे उनका जांच होगा और टोटल सबका सुपरविजन करने के लिए 21 मेडिकल ऑफिसर। अब इसमें यह है कि मैं चाहूँगा जन सम्मानित जनपद वासियों से, जनमानस से, कि स्वास्थ्य कर्मी जहाँ भी जाते हैं इनका पूर्ण सहयोग करें। जिन व्यक्ति को यदि TB से ग्रसित लक्षण मिलते हैं वो हिचकिचाए नहीं और उनका जो है स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें, समय से जांच हो जाए ताकि कि उनका हम इलाज किया जा सके, क्योंकि TB एक संक्रामक बीमारी है। यह जो है ज़्यादातर छींकने खांसने से होता है और करीब के व्यक्ति जो भी बैठेगा उसको जो है संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये देखा गया है एक व्यक्ति यदि TB से ग्रसित हो जाता है, समय से उसका जांच और इलाज नहीं होता है तो साल में 10 से 15 लोगों को संक्रमण कर सकता है। इस समय कोरोना काल में ज़्यादातर लोग बाहर कम निकले हैं, घरों में रहे हैं, बाहर तो फेस मास्क लगाते रहे लेकिन घर में फेस मास्क अक्सर नहीं लगाते हैं। उनके यहाँ यदि बाहर से कोई भी व्यक्ति TB का ग्रसित होगा आएगा तो संभव है कि घर में ज़्यादा रहने से पास पड़ोस में रहने के वाले लोगों को TB का संक्रमण ज़्यादा चांसेस था हो सकता है। और दूसरा कारण कोरोना काल में ज़्यादातर लोग बाहर न निकल के हॉस्पिटल में न जा कर के हॉस्पिटल की सुविधा न लिए जाँच नहीं कराए, ये भी कारण है जिसके तहत जो है TB के मरीज बढ़ सकते हैं। फेस मास्क लगाने से एक तो फ़ायदा हुआ जिससे कि बाहर जाने पर जो व्यक्ति एक दूसरे संपर्क में आते थे उनके संक्रमण की क्षमता घटी, लेकिन घर में एक साथ एक जगह ज़्यादातर रहने से संक्रमण घर में फैलने के ज़्यादा चांसेस रहा। तो यह अभियान में इसलिए चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वह लोग जो जांच से छूते रहे हैं, किसी कारणवश से जांच नहीं करा पाए हैं, जिससे कि मलिन बस्ती के हुए, अनाथालय हुआ, जेल हुआ, स्लम बस्ती के लोग ऐसे तरह जो है किसी कारणवश से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को खोजना हमारा धर्म बनता है, क्योंकि वह एक जगह बैठे बैठे जो जांच नहीं करा पाते हैं और TB के मरीज हैं तो न जाने कितनों को संक्रमण देते रहेंगे। इस तरह से हमारा TB का उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित होगा। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चल रहा है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा केस को करें, क्योंकि
कोरोना काल में 6-7 महीना जो है कार्य ज़्यादातर ठप रहा है, फिर भी हम इसमें कोरोना काल में जो उन मरीजों को दवा नहीं मिल पाता था उनको जो है टेलीफोनिक वार्ता करके उनको जो है गाड़ी से कर्मचारियों के द्वारा उनको भेजा गया है और उनका इम्प्रूवमेंट किया गया है, इलाज किया गया है। और जो सारी यानी सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन जो कोरोना काल में ये लक्षण वाले मरीज मिले हैं लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ है, उनका हम लोगों ने CBE NAT से जांच कराया। उसमें भी जो जांच कराए अभी हमने हाल में दो महीने से हो रहा है, फिर भी हमको जो है 12 मरीज जो है नॉन कोविड सारी ILI से मिले हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जिससे कि इतने लोगों को बचा करके और लोगों का जो है TB फैलने से बचाया गया। और हम जो है एक्टिव केस फाइंडिंग के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ढूंढ करके और उनका जो है जांच करा करके उनको यथा संभव होगा एक हफ्ते के अंदर दवा चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं आशा करता हूँ सभी जनमानस के सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा जिससे कि हम इसको ज़्यादा से मरीजों को ढूंढ करके उन्हें इलाज पर रख सकते। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार हो, पसीना आता हो, जिसको खांसी में खून आता हो, सांस फूलता हो, सीने में दर्द हो, वजन घटता हो, बच्चों में शाम को बुखार होता हो, गले में गिल्टी हो, ये सब स्वाभाविक उस तरह के लक्षण होते हैं जो TB से मिलते जुलते हैं। इसलिए समय से जांच, समय से उपचार तो देश जो है TB से मुक्ति मिल जाएगी। और हम सब का सामूहिक प्रयास होगा तभी हम इसको जो है TB उन्मूलन में हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।